हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम करने वाले रोज स्पेशल फोटो एडिटिंग। अगर आपको भी सीखना है इस टाइप की फोटो एडिटिंग तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए आज का वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो बैकग्राउंड है उसको पिक्सेल एप्लीकेशन में ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर जो भी PNG यूज कर रहा हूँ और बैकग्राउंड यूज कर रहा हूँ उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ऐड फोटो पे जाना है, जो मॉडल का फोटो है उसको ऐड कर लेना है। और जो मॉडल का बैकग्राउंड है वो मैं पहले एरेज कर चुका हूँ, अगर आपको एरेज करना नहीं आता उसका भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, जाके चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नेक्स्ट आपको ऐड फोटो पे जाके ये वाला PNG को ऐड कर लेना है और इसे अपने हाथ के पास एडजस्ट कर लाना है कुछ इस तरह से। और यहाँ पर आपको जाना है एरेज वाला टूल पे, और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आप एरेज कर लेना कुछ इस तरह से। और मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, मैं यहाँ से कर लेता हूँ डन। इसके बाद फिर से आपको ऐड फोटो पे जाना है और इस इमेज को ऐड कर लेना है। और यहाँ पर जो PNG है मैं इसको यहाँ पर बड़ा कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, और जो बाकी का पार्ट है मैं यहाँ पर इरेज कर लेता हूँ जो मेरे फेस के ऊपर आ रहा है। जो भी सेटिंग है वो अपने हिसाब से रह सकते हो। और यहाँ पर होने के बाद मैं इसको यहाँ से डन कर लेता हूँ। नेक्स्ट इसका ओपेसिटी मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ कुछ इतना, और यहाँ से मैं डन कर लेता हूँ। इसके बाद मैं फिर से ऐड फोटो पे जाता हूँ और जो रोज़ का PNG है उसको ऐड कर लेता हूँ। और जो रोज़ का PNG है वो यहाँ पर पॉकेट के पास कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। इसका जो ओपेसिटी है मैं 60 के आसपास रख लेता हूँ। नेक्स्ट आपको इरेज़ पे जाना है, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको इरेज़ कर लेना कुछ इस तरह से, और यहाँ से डन कर लेता हूँ। तो देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये, और यहाँ से कर लेता हूँ मैं डन। नेक्स्ट फिर से ऐड फोटो पे जाना है और यहाँ पर टेक्स्ट PNG को ऐड कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं जूम करके इसको थोड़ा नीचे की साइड एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। फिर आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर जो कलर वाला ऑप्शन है उसको क्लिक कर देना और नेगेटिव पे क्लिक कर देना। यहाँ पर जो ब्लैक था वो वाइट हो गया है और इसको मैं यहाँ से डन कर लेता हूँ। और यहाँ पर ये वाला आइकन पे क्लिक करके अपने फोटो को गैलरी में सेव कर देना है। और अब इस फोटो को हम लेके जाएंगे लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो मैंने लाइटरूम एप्लीकेशन में अपने फोटो को ऐड कर लिया है। तो सबसे पहले ये वाला आइकन पे क्लिक करना, तो यहाँ पर फोटो का हाईलाइट को डिक्रीज कर देना और शैडो को इंक्रीज कर देना और वाइट को इंक्रीज करके ब्लैक को डिक्रीज कर देना। कॉन्ट्रास्ट को मैं -10 रख लेता हूँ, एक्सपोजर को 0.20 रखता हूँ। नेक्स्ट आपको इसके नीचे वाला टूल पे जाके वाइब्रेंस को इंक्रीज कर देना है, फिर यहाँ पे क्लिक कर देना, फिर मिक्स टूल पे जाना है और यहाँ पे ब्लू के सैचुरेशन को डिक्रीज करके ह्यू को इंक्रीज कर देना है, ग्रीन का सैचुरेशन को पूरा डिक्रीज कर देना है, येल्लो को भी डिक्रीज कर देना है और ह्यू को भी पूरा डिक्रीज कर देना है। नेक्स्ट आपको ऑरेंज पे जाके ल्यूमिनेंस को बढ़ा लेना है जिससे आपका फेस वाइट दिखे, और सैचुरेशन को बढ़ा के ह्यू को डिक्रीज कर लेता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर पिंक टोन आ चुका है। और यहाँ पर मैं रेड कलर सैचुरेशन और लुमिनेंस बढ़ा लेता हूँ और ह्यू को कर देता हूँ डिक्रीज, और यहाँ से कर लेता हूँ डन। नेक्स्ट यहाँ पर क्लिक करके विग्नेट को डिक्रीज कर देना और फेदर को इंक्रीज कर देना है, और क्लैरिटी को थोड़ा डिक्रीज करता हूँ, टेक्स्चर को थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर इसके नीचे वाले टूल पर जाके यहाँ पर शार्पनिंग, कलर रिडक्शन, नॉइस रिडक्शन को इंक्रीज कर लेता हूँ। तो हमारा एडिटिंग कम्प्लीट हो चुका है और यहाँ से कर लेता हूँ डन। तो देख सकते हो यहाँ पर बिफोर पिक्सआर्ट में और आफ्टर लाइटरूम में तक कमाल का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। सो आई विश आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।